नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धीमेंद्र सिंह है। आप देख रहे हैं डीएस डिजिटल सपोर्ट। दोस्तों, अगर आप एक सीएससी संचालक हैं और आप सीएससी का डीजीपे एप्लीकेशन यूज़ करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप पर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के अंत तक जरूर देख लेना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा जो डीजीपे का एप्लीकेशन है वो मोबाइल फ़ोन पर आपको लॉग इन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर कुछ इस तरह का एरर आ रहा होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एरर क्यों आ रहा है? ये आपका जो एप्लीकेशन है ये अपग्रेड करने को बोल रहा है, लेकिन जब आप अपग्रेड कर रहे हैं तो आपका अपग्रेड नहीं हो रहा है। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ये सब इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन पर डीजीपे का जो एप्लीकेशन है, जो डीजीपे का मोबाइल वर्जन है, इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप अपने सीएससी आईडी को एंटर कर लेंगे और इसके बाद आपको नीचे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा प्रोसीड का ऑप्शन, इस पर ही आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक एरर दिखेगा, अपग्रेड इन नेबर वर्जन ऑफ डीजीपे इज अवेलेबल फॉर योर डिवाइस, अपग्रेड टू द लेटेस्ट वर्जन टू प्रोसीड। आप जब भी लॉगिन करते हैं ये इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है, आपका डीजीपे लॉगिन नहीं हो पाता अभी। दोस्तों अगर आप अपने लेटेस्ट वर्जन को अपग्रेड करना चाहते हैं तो ओके पर आप क्लिक कर दें। तो दोस्तों हम यहाँ पर ओके पर भी क्लिक कर देते हैं। जैसे हम ओके पर क्लिक करेंगे तो ये प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट हो जाएगा और दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, अनइंस्टॉल और ओपन। तो यहाँ पर वर्जन भी अवेलेबल नहीं है। अब प्ले स्टोर पर देखेंगे तो आपको वर्जन भी लेटेस्ट अवेलेबल नहीं है। अगर लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल होता तो ये आपको अपडेट करने को आता, लेकिन अपडेट करने को नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो लेटेस्ट वर्जन है वो अभी तक यहां पर अवेलेबल नहीं है। अभी आपको अब करना क्या है, अब आपको इसको अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल करने के बाद क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। अपने मोबाइल फोन पर आप क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे, सर्च बार में जाएंगे और टाइप करेंगे डीजीपे। डीजीपे लिख के आप जैसे ही सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा आपको। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। इस पर ही आपको क्लिक कर देना है डीजीपे वाले ऑप्शन पर। जैसे ही दोस्तों आप डीजीपे वाले ऑप्शन पर करेंगे क्लिक तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मिल जाएगा डाउनलोड डीजीपे, डाउनलोड के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर डाउनलोड डीजीपे पर आप जब क्लिक करेंगे तो देखने को मिलेगा डीजीपे वर्जन 7.14 विंडो। अब यहाँ पर साइट वन और डाउनलोड दो ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन ये जो है विंडो के लिए है। आप अपने लैपटॉप या पीसी पर जब आप डीजीपे एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे तो आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, लेकिन जो एंड्रॉयड का जो वर्जन है डीजीपे का वो यहाँ पर 6.9 ही दिखा रहा है। तो यहाँ पर 6.9 वर्जन जो है वो दिखा रहा है, इसको डाउनलोड करेंगे। इसको डाउनलोड पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तब भी हमें प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट कर दिया जाता है और इंस्टॉल करने को आता है। इसका मतलब जो हमारा वर्किंग वाला वर्जन है, जो अपग्रेड वर्जन है, वो अभी तक कोई ना कोई टेक्निकल एरर की वजह से ओपन नहीं हो पा रहा है। तो इस पर जो हमारी सीएससी टेक्निकल टीम है वो वर्क कर रही है, जैसे ही इसमें सुधार हो जाएगा आपको एक वीडियो हम ले आएंगे। तो यहाँ पर अभी आप लोग समझ चुके होंगे जो इसका लेटेस्ट वर्जन है वो अभी तक नहीं आया है। इसका फिर से एक अपडेट वर्जन आने वाला है जो जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही इसका लेटेस्ट वर्जन आ जाएगा आपको एक वीडियो लेके आ जाऊँगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।